हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अपोकलिप्टिक थीफ के एपिसोड 8 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में वो लोग लैन के पॉइंट्स काउंट कर रहे होते हैं और एक्चुअल में उसने एक पीक टाइप मॉन्स्टर को मारा होता है और वो लोग कहते हैं कि ये लोग हम लोग क्या देख रही है, ये तो एकदम रेयर चीज है। कैप्टन येन ने इतने खतरनाक मॉन्स्टर को मारा और वो मॉन्स्टर का नाम गॉड वाइल्ड बोर है और वो लेवल 2 पे आता है। और येन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग बराबर से चेक करो, उस मॉन्स्टर के अंदर शायद क्रिस्टल भी हो सकता है। अगर उसके अंदर क्रिस्टल निकला तो उसकी वैल्यू और भी ज्यादा हो सकती है। और येन कहता है कि ये मॉन्स्टर एकदम स्ट्रांग था और ये रैंक 3 पे भी आने वाला था शायद, इसलिए बाकी सारे मॉन्स्टर से तो ज्यादा ही स्ट्रांग होगा। और जो पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो लोग कहते हैं कि हम लोग सिर्फ मॉन्स्टर को कैलकुलेट करने वाले थे, पर ये तो क्रिस्टल भी कैलकुलेट करा रहा है। टी उन लोगों से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम लोग काउंट कर सकते हो, जल्दी से करो क्योंकि मुझे बाद में घर पे जाके शावर भी लेनी है। और उन लोगों को अंदर से क्रिस्टल भी मिलता है जो एक्चुअल में मिडिल रैंक का होता है और वो एक व्हाइट क्रिस्टल होता है। और ये सुन के येन के जो फैंस होते हैं वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। क्यों उससे कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा जो लक है वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम करता है। येन उससे कहता है कि मुझे लक की जरूरत नहीं है तुम्हारे जैसे, मैं तो अपने स्ट्रेंथ पे बिलीव करता हूँ। और ज्यू एकदम खुश होते हुए कहता है कि तुम तो बहुत अच्छे लेसन देते हो, मुझे बहुत पसंद आया। और एक्चुअल में येन ने थोड़े क्रिस्टल उसको देने के लिए भी बोला था, मतलब ज्यू को देने के लिए बोला था, पर ज्यू उसका मजाक बना रहा था। और येन कहता है कि ये तो एकदम बेकार की तरह है, मैंने इसको थोड़े क्रिस्टल देने के लिए बोला था पर तो भी ये मेरी बात सुन नहीं रहा। और येन ताली बजाते हुए कहता है कि सिर्फ मैंने एक ही मॉन्स्टर को नहीं मारा, अंदर देखो और भी मॉन्स्टर्स हैं। और जो पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो लोग अंदर जाके चेक करते हैं और उसने रैंक 3 के फॉरेस्ट स्पाइडर को मारा होता है। और ये बात सुन के वहाँ पे जो फैंस होते हैं वो लोग एकदम हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये मॉन्स्टर शायद मर चुका होगा क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए वो लोग डर रहे हैं। वहाँ पे वो आदमी कहता है कि ये बच्चा तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है लगता है, क्योंकि जो मार्शल आर्टिस्ट रैंक 4 पे होते हैं वो भी हिम्मत नहीं करते किसी स्पाइडर के पास जाने के लिए। और वो लोग अनाउंस करते हैं जो वैल्यू एक्चुअल में 3 white high rank crystal के बराबर होगी इनकी, जितने ही मॉन्स्टर्स को मारा होता है इसीलिए। और ये बात सुन के सारे जितने भी यन के फैंस होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो लोग नाचने भी लग जाते हैं। और वो लोग एकदम खुश भी इसीलिए होते हैं क्योंकि वो लोग बैट जीत चुके होते हैं। और येन यू से कहता है कि अब तुम्हें पता चला कि हम दोनों के बीच में कितना गैप है और कौन जीनियस है हम दोनों में से। और यू येन से कहता है कि तुम्हारा मतलब कि तुम बेकार हो और मैं स्मार्ट हूँ, और मैं स्ट्रांग हूँ तुम कमजोर हो, तुम तो बड़े छोटे से स्मार्ट हो। येन एकदम गुस्से में कहता है कि तुम्हें जो पता है तुम जो कह रहे हो, और थोड़ी हिम्मत करो जोर से बोलने की। और यू उठते हुए कहता है कि चलो मैं तुम्हें मेरी रियल पावर बताता हूँ और मेरे पास जो भी मॉन्स्टर्स है वो दिखाता हूँ। और जो कपड़ा हटाते हुए कहता है कि मैंने कुछ ज्यादा वैल्यूएबल चीज तो इकट्ठा नहीं किए है, और जैसे ही हटाता है उधर से कपड़ा वैसे वहाँ पे बहुत ज्यादा चमक रहा होता है। और उस यू उन लोगों से कहता है कि मैंने सिर्फ एक शेडो वुल्फ को मारा है, और वो लोग ये बात सुन के एकदम हैरान होते हैं। और वहाँ पे एक्चुअल में वो व्हाइट वाला वुल्फ होता है। और ये देखिए येन एकदम खतरनाक तरीके से हैरान हो चुका होता है और कहता है कि इसने तो शेडो वुल्फ किंग को मारा है। और उसके डैड भी एकदम हैरान होता है और कहता है कि ये इतना स्ट्रांग कैसे हो गया, इसने रैंक 4 के शेडो वुल्फ किंग को मार दिया। और ज्यू की बटलर भी बहुत खुश होती है और कहती है कि मास्टर तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इन्होंने रैंक 4 के मॉन्स्टर को मार दिया। और वो लोग ज्यू के पॉइंट्स भी कैलकुलेट करते हैं और वो लोग कहते हैं कि इसकी जो वर्थ है वो लो रैंक ब्लू क्रिस्टल की है। और वो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि कितने व्हाइट क्रिस्टल लगेगी तो वो लो रैंक ब्लू क्रिस्टल बन जाएगी। और उनमें से एक बंदा कहता है कि हमें शायद 100 लगेगी व्हाइट क्रिस्टल तो ही जाके हम ब्लू क्रिस्टल बना नहीं पाएंगे, मतलब में ट्रेड कर पाएंगे। और वो छोटा बच्चा बहुत खुश होता है और कहता है कि ज्यू ब्रदर आप तो जीत गए। और ज्यू के फैन भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि तुमने एकदम बड़ा सा गैप दे दिया और बहुत ज्यादा अच्छा रैंक दे दिया, और येन को अभी पता चलेगा कि तुम कितने स्ट्रांग हो। और येन अभी भी सदमे में होता है और कहता है कि तुमने कोई तो चीटिंग की है, ये तो इम्पॉसिबल है, तुम नहीं मार सकते किसी को भी, क्योंकि जो मार्शल आर्टिस्ट रैंक 5 पे होते हैं वो भी हिम्मत नहीं करते किसी ऐसे मॉन्स्टर को मारने की। और ज्यू येन से कहता है कि ये सब मैं तुम्हारी हेल्प के बिना उसे नहीं मार पाता, ये सारा क्रेडिट तुम्हें ही जाता है। और येन ये सारी बात सुन के थोड़ा हैरान होता है और ज्यू एकदम गुस्से में कहता है कि तुमने मेरे पीछे रैंक 5 का मार्शल आर्टिस्ट मेरे पीछे मारा था, मतलब कि तुमने मेरे पीछे भेजा था मुझे मारने के लिए। और येन यहाँ पे एकदम इनोसेंस होके बोलता है कि तुम मेरे ऊपर ऐसा कैसे आरोप लगा सकते हो, मैं तुम्हें मारने की क्यों कोशिश करूंगा, और तुमने चीटिंग की और उसका ब्लेम मेरे ऊपर लगा रहे हो। अतः वो मोटा आदमी आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम लोग चुप हो जाओ और ये बेफालतू की बातें बंद करो, और हमें लगा कि ज्यू बहुत स्ट्रांग हो चुका है तो ज्यू तुम जरा हमारा जो सन है उसे थोड़ा लेसन सिखाओ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है इसलिए तुम उसे स्ट्रांग बना सकते हो। और वो मोटा आदमी एक्चुअल में येन का फादर है। ज्यू अपने मन में कहता है कि ये मोटा आदमी थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे, क्योंकि ये बाकी लोगों से थोड़ा अलग है। येन के फादर कहते कि तुम्हें ये सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक बैटल था। ज्यू के फादर कहते कि ज्यू सेंग इतना स्ट्रांग नहीं है,
और अगर दोनों के बीच में बैटल होगा तो येन शायद जीत सकता है, और ज्यून ने सिर्फ लकीली मॉन्स्टर को मारा होगा। और वो मोटा आदमी हंसते हुए कहता है कि जो लक होता है वो भी पावर के अंदर तो गिना ही जाता है। और अगला सीन हमें एक जगह का दिखाया जाता है जहाँ पे कोई एक लड़की को मारता है एक्चुअल में, और ये एक्चुअल में वही मोटा आदमी होता है। और वो कहता है कि ये ज्यूजेंग इतना स्ट्रॉन्ग कैसे था और वो जिंदा कैसे बचा और ये वुल्फ किंग का क्या मैटर है। और वो मोटा आदमी एकदम गुस्से में कहता है कि ये जो असासिनेशन ऑर्गेनाइजेशन था वो एकदम कचरे की तरह है, क्योंकि वो एक छोटे बच्चे को नहीं मार पाए, इसलिए मुझे मेरे प्लान बी पे काम करना चाहिए। तो दोस्तों आज का एपिसोड बस ये तक। अगर आपको मेरा एक्सप्रेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।